आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी के टाइम में अपने अपने घर पे सेफ और स्वस्थ रहो। तो मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुकी हूँ और हमारा लंच वंच हो गया है और लंच के बाद मैं अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आ गई अभी किचन में चाय बनाने के लिए और मिल्क बॉयल करना है। तो मैं अभी बनाऊंगी 1 कप चाय, नॉट 2 कप, ऑनली 1 कप चाय बनाऊंगी। मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। मम्मी क्या कर रही है? पापा का जो रिस्ट वॉच था ना, उसमें होल करी है। ये देखो, ये उस दिन से प्रॉब्लम हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। उस दिन करी थी ना, थोड़ा छोटा हुआ था तो उसमें जा नहीं रहा था। तो ये देखिए, आज मम्मी इसको बड़ा करी है। हो गया, पापा को दे दो। मम्मा होल करी थी ना, ओह माय गॉड, गर्मी तो देखो मेरे फेस पे। तो उस दिन जो मम्मा होल करी थी ना, वो रिस्ट वॉच में, पापा के रिस्ट वॉच में, तो वो ओपनर से करी थी। थोड़ा सा छोटा होल हुआ था तो पापा बोल रहे थे रिस्ट वॉच का वो बंद नहीं हो रहा था ठीक से, उसमें होल में जा नहीं रहा। कहीं से ढूंढ के की लाई है, उसको हीट करी है और हीट करके उसमें होल में डाली है और वो अच्छी तरह से जाएगा। आर या पार हो गया। तो गर्मी का महीना है तो मेरे फेस में गर्मी देखो यार, अभी तो ऐसे ही चलेगा। तो मैं इसको स्टैंड में लगा देती हूँ और मैं चाय बना लेती हूँ। तो चाय बनाने तो आई हूँ बट मिल्क खत्म है और अभी मैं देखी हूँ कि मिल्क बर्तन में नहीं है, तो मैं मिल्क लेके आती हूँ और फिर चाय बनाऊंगी। चाय बनाने के बाद आ गई हूँ मैं आप लोगों को अपना सिल्वर खजाना दिखाने के लिए। जितने भी सारे सिल्वर ज्वेलरी है ना, सिल्वर ज्वेलरी सारे नहीं, बिछिया और एंकल्स जो है ना, कुछ मैं इस प्लास्टिक में रखी थी और कुछ और जगह पे रखी थी। और ये देखिए, आप लोग रिक्वेस्ट पे मैं इस बार ये भी घर से लेके आई। एक्चुअली घर पर छोड़ के आई थी तो इस बार आई तो मैं ये भी लेके आई। तो आज था कि एंकल्स पहनने का, तो आप लोग का रिक्वेस्ट था, तो इस दिन मैं ये कौन सा पहनूँ सोच रही थी। तो ये पतली वाली थी तो मुझे लगा यही पहनूँ। तो ये जो पतली वाली है ना पायल, वही जींस के साथ अच्छे लगेंगे, तो आज मैं यही पहनूंगी। और आप लोग का रिक्वेस्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पहनने का काफ़ी शौक लग रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे पहन के। तो चलिए मैं एंकल्स पहन लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। आज का मेरा आउटफिट, टी शर्ट, जीन्स और एंकल्स पहन लूँ मैं जीन्स के साथ, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बेटा आया है ये गिफ्ट, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर।
तो मुझे ना कभी कभी इस तरह से बन ठन के ना मॉडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और आज बहुत दिनों के बाद मतलब कहीं बाहर जाना भी होता नहीं है तो मैं घर पे जींस टी शर्ट सब पहन ली हूँ। तो कभी बोलते हैं ना माइंड फ्रेश हो जाना, बाहर कहीं नहीं जाना, तो घर पे इस तरह से टाइम कभी कभी ना अच्छा लगता है स्पेंड करना, ताकि पॉजिटिव माइंड भी बना रहे और अच्छी अच्छी सोच भी आती रहे। तो मैं इसको पहले ही सैनिटाइज कर चुकी हूँ और इसको मैं सैनिटाइज करके निकाल भी दी हूँ। बस इसको सैनिटाइज करना है जो मैं अभी जस्ट रिसीव करी हूँ। देखते हैं क्या आया है। तो यूट्यूबर के घर पे कुछ न कुछ पार्सल आते रहते हैं, खोलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो जो यूज करते होंगे ना उन्हीं को पता होगा कि ये क्या है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रेस है। तो ये सब चेक कर ली हूँ, ये इसको इसके अंदर ही रख देती हूँ। चल इसको इसके अंदर ही रख देती हूँ क्योंकि चेक तो कर ली हूँ मैं। और इसका आप लोगों को हॉल मिलने वाला है, बस अभी मैं चेक कर रही हूँ कि मटेरियल सही है कि नहीं है। इसका हॉल मिलने वाला है आप लोगों को, बहुत सारा है और भी कुछ है जिसका हॉल साथ में मैं करूंगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। मेरे पास मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो ना अभी कंटिन्यू वीडियो आने वाला था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं कंप्लीट करूं। बस ब्रांड वाले का तो टाइम होता है इसलिए मैं पब्लिश कर देती हूँ वीडियो, बट मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं वीडियो बनाऊंगा अभी। तो बहुत अच्छे अच्छे हॉल आने वाले हैं, आप लोग बने रहना। इसको फिर अंदर पैक कर दी। गर्मी गर्मी करके ना मैं कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। और ये देखो आईब्रोज भी कितने आ गए हैं। चलिए मैं बना देती हूँ आईब्रो। और लाइट जब कर्टन लगा देती हूँ ना तो लाइट ऑन करना पड़ता है, तो मैंने लाइट ऑफ कर दी। झाड़ी में थोड़ा सा देखो खड़ा हो जाता है। यार तो बहुत दिनों से मेरे ये काम पेंडिंग थे, आज बनाऊंगी कल बनाऊंगी सोच के ना कितना दिन से सोच रही थी, बट फाइनली आज मैं थ्रेडिंग बना ही लूंगी। तो ये टेलकम पाउडर कॉटन बॉल जो भी चाहिए था वो सब लेके मैं बैठ गई। तो चलिए मैं बना लेती हूँ आईब्रोज, उसके बाद फिर मैं बातें करती हूँ। तो गाइज जो भी आप लोगों में से मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आ रही होगी या इंटरेस्टिंग लग रहा होगा या हेल्पफुल लग रहा है, कुछ भी लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है ना उसको प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। थैंक गॉड कि
मुझे ना आईब्रो बनाना आता है, ताकि मुझे ना इस लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इस लॉकडाउन में क्या, लास्ट ईयर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और ये सब जो पार्लर का काम होता है ना, मैं घर पे ही कर देती हूँ, जो लास्ट टाइम भी आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे कि मम्मी का भी फेशियल ब्लीच जितना भी कुछ था मैं घर पे ही करी थी, और इससे पहले बार ब्लॉग में मैं शेयर करी थी। तो ये छोटा मोटा काम जो है ना वो मैं घर पर कर देती हूँ, थ्रेडिंग, फेशियल ब्लीच, ये सब जितने भी है ना, वैक्स, ये सब घर पर कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ इस तरह की सिचुएशन में ना, जिसको सब कुछ आता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है कि दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि पार्लर वाली आएगी थ्रेडिंग बनाएगी, और नहीं आए तो भालू बन के बैठो। तो मैं तो मतलब मुझे आता है, तो मैं इसमें ना लकी हूँ थोड़ी सी। तो आप लोगों को भी बोलती हूँ, मतलब बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी अपना काम ना खुद करने को ट्राई करो, तो सीख ही जाओगे आज न कल। तो घर के ब्यूटी पार्लर में ही मेरा काम हो गया, तो अब प्रदीप भी बना लिया और थ्रेडिंग भी हो गया मेरा, खुद के हाथ से खुद कर देना है सब काम। तो बड़ा काम खत्म हो गया है, और गर्मी इतनी है कि फैन ऑन करना पड़ेगा। पापा बैठ गया न्यूज देखने, न्यूज चल रहा है। तो अभी कुछ हल्का फुल्का खाऊंगी, क्यों भूख लगी है यार बहुत, मतलब जब लंच की ना, लंच के बाद कुछ नहीं खाई हूँ, तो हल्का फुल्का कुछ खाऊंगी, फिर जूस या कुछ पीऊंगी, देखती हूँ जूस पीऊंगी। अरे क्या हो गया, चलिए कुछ हल्का फुल्का खाती हूँ, उसके बाद फिर काम करूंगी। आजकल पता नहीं क्यों गर्मी के कारण ना बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो रही थी। देखिए पूरा यहाँ ख़राब हो गया, तो इसको मैं हटा दूंगी, बाकी इसको रख दूंगी, पता ही नहीं चलता है किस तरह से रखूं बनाना को। मुझे खानी है बिस्किट भी पानी के साथ। चले चलते बाहर, न्यूज़ चल रहा है ना, बहुत बारिश आ रहा है। बाहर का वेदर देखो, बाहर का वेदर मैं हमेशा ही दिखाती हूँ ना आप लोगों को, यहाँ बगैर, क्योंकि अभी बाहर का जो वेदर है ना वो बहुत अच्छा हो रखा है, तो जब भी मैं बाहर आती हूँ ना आप लोगों को ये वेदर दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत वेदर हो जाता है ना आजकल, दिखाना तो बनता है। ये देखो बादल लगी हुई है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। जाएगा गार्बेज में ये। शाम हो गई और ये मैं बेडशीट सुबह ही धोई थी, तो अभी धूप चला गया था, तो सोचा चलो मैं फैला देती हूँ इसको, तो ये ड्राई हो जाएंगे, हवा में ही ड्राई हो जाते हैं आजकल। तो आ गई थी मैं ये बालकनी में, ये बेडशीट डालने के लिए, और ये सब जितने भी हैं फोल्ड करके मैं हटा दूंगी। और अभी हो गया था मेरा इवनिंग वॉक का टाइम, एक्चुअली हो गई थी शाम, तो मैं सोचा चलो हाफ एन आवर कर देती हूँ ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो कहीं बाहर तो जा नहीं सकती, तो बालकनी में ही कर देती हूँ।
आजकल गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बट वेदर ना बहुत ही अच्छा रहता है बाहर। क्या करेगा इतना दिन बात करके। और अब मैं करूंगी थोड़ा सा वीडियो का एडिटिंग, और मैं अभी चाय नहीं पी हूँ आज अभी तक, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, चाय बिल्कुल पीने का मन नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर में चाय पी, मतलब बिना पिए तो रह नहीं सकती हूँ, तो थोड़ी देर में चाय पीने जाऊंगी। थोड़ा देर बैठ के मैं एडिटिंग करूंगी, फिर जाऊंगी चाय पीने। काम मुझे काम करना है तो मैं काम कर लेती हूँ, अब एडिटिंग करनी है थोड़ी सी। सो गाइज, मैं इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने अपने घर पे सेफ रहना आप लोग भी।